बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बार एक घमंडी हाथी रहता था जो हमेशा छोटे जानवरों को धमकाता था और उनका जीवन कष्टदायक बनाता था। इसलिए सभी छोटे जानवर उससे परेशान थे। एक बार की बात है, वह अपने घर के पास स्थित चींटी के मांद में गया और चींटियों पर पानी छिड़क दिया। ऐसा होने पर वह सभी चींटियाँ अपने आकार को लेकर रोने लगी, क्योंकि वह हाथी इनकी तुलना में काफ़ी बड़ा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। हाथी बस हंसा और चींटियों को धमकी दी कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। ऐसे में चींटियाँ वहाँ से चुपचाप चली गई। फिर एक दिन चींटियों ने एक सभा बुलाई और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला लिया। अपनी योजना के मुताबिक जब हाथी उनके पास आया तब वे सीधे हाथी के सूंड में घुस गए और उसे काटने लगे। इससे हाथी केवल दर्द से कराह रहा था, क्योंकि चींटी इतनी छोटी थी कि उनको यह हाथी कुछ नहीं कर सकता था। साथ में उसके सूंड के अंदर होने वाले वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटियों और उन सभी जानवरों से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने धमकाया था। उसकी ये पीड़ा देखकर चींटियों को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया।